मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में खेलों को बढ़ावा देते हुए ओलंपिक और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में इजाफा करने की घोषणा की। वहीं प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए संविदा पर 500 कोच लगाए जाएंगे। खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल शामिल किए जा सके नहीं किए जा सके थे, अब इन खेलों के भी ब्लॉक जिला राज्य स्तरीय आयोजन कराए जाएंगे। मैं प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 50 लाख रुपए राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 30 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। उसी तरह एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 30 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 20 लाख बढ़ाकर 60 लाख करने की घोषणा करता हूँ और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 10 लाख बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे, इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा। राज्य खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपये से 1000 रुपये और 300 से 600 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019